नमस्कार दोस्तों, आपका एसएस म्यूजिक वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो रोलैंड का नया कीबोर्ड लॉन्च हुआ है, फैंटम 06। तो इसमें ट्रांसपोज करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो जनरली 3 तरीके हैं, अपन इन तीनों तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, जो फर्स्ट तरीका है इसकी अपन बात कर लेते हैं। जनरली अदर कीबोर्ड्स में भी होता है। एक बार अपन कोई भी टोन बजा कर देख लेते हैं। यहाँ पे G# पे ये सी वॉइस आ रही इसकी। अब इसको अपन को ट्रांसपोज करना है, यानी कहने का मतलब अगर A# को मुझे G# पर लाना है तो अपन ट्रांसपोज कैसे करेंगे। फर्स्ट जो तरीका है वो है, आपको मेन्यू बटन दबाना है। मेन्यू बटन दबाने के बाद आपको सिस्टम पर जाना है। सिस्टम पर जाने के बाद आप यहाँ से चाहे तो टच करके या फिर इस फर्स्ट नॉब से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो मैं आपको टच करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे जाना है तो यहाँ पे साउंड लिखा हुआ आएगा, इस साउंड पे आपको टच करना है। उसके बाद आपको ये इस सेकंड वाली जो नॉब है उससे आप जो सेकंड स्लाइड होती है, इसके बाद जो स्लाइड खुलती है, इधर टच करने के बाद जो इधर स्लाइड खुलती है उसमें अपन अप डाउन इससे करेंगे। तो अगर अप डाउन आप इससे नहीं करें तो आप सिंपली यहाँ से टच करके भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अपन को मास्टर की शिफ्ट यहाँ पर, जैसे आपको मैंने बताया कि G# पर अगर A# अपन को बजाना है तो उसके लिए अपन को +2 करना पड़ेगा। तो जो ये रोटरी बटन होता है स्क्रीन के राइट साइड में, यहाँ से मैं +2 कर देता हूँ। +2 मैंने कर दिया है। सिंपली फिर आपको यहाँ से एग्जिट कर देना है। दो बार अपन एग्जिट का बटन दबा देंगे तो ये आ गई है अपनी मेन स्क्रीन। यहाँ पे मैं बजा के देख लेता हूँ। तो ये अपनी ट्रांसपोज हो चुकी है। और सेकंड तरीका ये है दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रांसपोज वाला जो बटन होता है, मैं आपको स्क्रीन और ये दोनों साथ में बता देता हूँ। तो यहाँ से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, तो ये वापस यहाँ से ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये जो ट्रांसफोज वाला तरीका है, जो सेकंड तरीका मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है कि जनरली कुछ पुंगी बीन या अलगोजा टाइप की जो अपन टोन्स बनाते हैं जिसमें एक की फॉलो पीछे की तरफ चलता रहता है एक साउंड, तो उसमें फिर वो डीट्यून हो जाएगा अपना, जैसे कि ये। अब ये मैंने जो ये ट्रांसपोज किया है इसकी वजह से ये जो बीन वगैरह है ये डीट्यून हो गई है। एक ये बीन है और एक जो दूसरी बीन है, जबकि मैं G# से ही बजा रहा हूँ। लेकिन अदर टोन्स आप बजा सकते हैं, जैसे कि ट्रम्पेट हो गई या फिर शेने वगैरह जो हो गई, जिसमें अपन ने की फॉलो नहीं रखा लगा रखा है वो टोन्स अपन बजा सकते हैं। तो मैं वापस यहाँ से ट्रांसपोज को मैं सही कर देता हूँ। मैंने अप किया था पहले, तो ट्रांसपोज वाला बटन दबा के वापस डाउन कर देता हूँ। ये 0 आ गया, यानी कि अभी ये नॉर्मल, यहाँ से ये नॉर्मल हो चुका है, लेकिन अभी अपन ने अंदर से +2 कर रखा है। तो एक बार उसको वापस अपन 0 कर देते हैं। तो ये मैंने 0 कर दिया है, एग्जिट कर देता हूँ मैं वापस। तो ये हो गए, दो तरीके अपन को हो गए। जो फर्स्ट तरीका बताया था मैंने आपको, मेन्यू बटन से अंदर जाकर आपको सिस्टम पर जाना है, फिर साउंड पर जाना है, उसके बाद मास्टर की शिफ्ट लिखा हुआ आएगा उस पर जाकर आपको प्लस या माइनस करना है। तो सबसे सही तरीका वही है। और सेकेंड तरीका है, अगर आपको इमरजेंसी में अगर ट्रांसपोज करना है, अगर आपको इतना टाइम नहीं है अंदर जाने का, तो सेकेंड तरीका आप ये भी अपना सकते हैं। ट्रांसपोज से यहाँ पे ट्रांसपोज का बटन दबा कर रखना है और डाउन या फिर अप, दोनों में से आपको आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रांसपोज हो जाएगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताया कि यदि आप बीन वगैरह बजाते हैं तो वो फिर आपकी डी ट्यून हो जाएगी। तो अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आपको यहाँ पर वापस 0 कर देना है, जैसा कि मैंने आपको अभी करके बताया था। +2 +1 +2 किया था, वापस मैंने आपको 0 भी करके बताया था, तो वैसे आपको कर देना है। दो तरीके ये हो गए। अब थर्ड तरीका ये है, यहाँ पे इस कीबोर्ड में अपने पास पिच बेंडर के जस्ट ऊपर दो बटन आते हैं,
इन दोनों बटन का मतलब ये ही नहीं कि आप मास्टर की शिफ्ट अप डाउन कर सकते हैं, इनके और भी यूजेस है जिसका मैं डिटेल में वीडियो कभी और अपलोड कर दूंगा। तो S1 और S2 मैंने मेरे बैकअप में ये असाइन कर रखा है कि S1 जो है वो मास्टर की शिफ्ट डाउन करेगा और S2 जो है वो मास्टर की शिफ्ट अप करेगा। तो सिंपली कहने का मतलब ये तीसरा तरीका है, तो मैं ज़्यादा आपको मैं घुमाऊँगा नहीं, अभी अपन करके देख लेते हैं। जैसे कि ये ट्रम्पेट है, अब मैं यहाँ से S1 दबाऊंगा यानी कि मुझे डाउन करना है। एक बार मैंने दबा दिया तो ये आधा स्वर नीचे आ गई, यहाँ पे बोल रही है। वापस एक बार और दबाऊंगा ये S1, तो यानी कि अब मैंने दो बार दबाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो F शार्प है वो मेरी अब G शार्प पर बोलने लग गई है। और वापस मैं दो बार अप कर देता हूँ। सेम वैसे ही अगर मैं इसको अप करता हूँ, जैसे अभी मैं जी शार्प बजा रहा हूँ आपके सामने, अब मैं अप करता हूँ यानी कि S2 बटन दबाता हूँ, एक बार दबाता हूँ तो इस प्रकार आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। S1 और S2 की सेटिंग मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, इसमें और भी काफ़ी फीचर्स हैं तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।